हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फाइबर टू फैब्रिक का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में। मीन्स बहुत सारे लोग फैक्ट्री में वर्क करते हैं, उन्हें बीमारी हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। जैसे जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में वर्क करते हैं, उनको बहुत सारा रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। बहुत कम ही एज में उनकी डेथ हो जाती है, 60 के आसपास में, तो वो एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है। सिमिलरली जो लोग ऊल फैक्ट्री में वर्क करते हैं, जहाँ पर ऊन बनता है उस फैक्ट्री में वर्क करते हैं, उसमें भी लोग को बीमारी हो जाता है, जैसे एंथ्रैक्स मोस्ट कॉमनली। और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। और जैसे कान भी उनका ख़राब हो जाता है, बड़े बड़े मशीन ऑपरेट हो रहे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा साउंड निकलता है, जिसके कारण ईयर में भी प्रॉब्लम आता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न के बारे में, कि जानवर को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अंगोरा रैबिट के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है, हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था ईयर 2013 में, एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था जिसके बाद लोगों ने अंगोरा क्लॉथ को पहनना ही छोड़ दिया। अंगोरा रैबिट से जो क्लॉथ आता था उसे लोगों ने पहनना छोड़ दिया, क्योंकि छोटा छोटा रैबिट होता था, उसके पैर में रस्सी बांधकर और उसके बॉडी से हेयर को निकाला जाता था, फ्लीस को निकाला जाता था, जिससे रैबिट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। ओके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं बायो क्लिप के बारे में, मैं बताऊँगा कैसे इंजेक्शन दे करके पूरे बॉडी का हेयर को निकाल लिया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारे बातें करेंगे। और मेनली जो एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न में बात करना, वो बात करना शीप के बारे में, जैसे शीप के साथ क्या क्या अत्याचार होता है, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे शीप को ले जाया जाता है पकड़ के, स्लॉटर में भेज दिया जाता है, जब शीप के बॉडी से कम हेयर निकल रहा होता है, अगर पैसा की कमी हो जाती है देन उसे स्लॉटर में भेज दिया जाता है और उसके मीट के तौर पर यूज किया जाता है, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है शीप के साथ, ठीक है। उसके उसको मैच्योर होने से पहले ही उसके बॉडी से फ्लीस निकाला जाता है, मीन्स हेयर निकाला जाता है, वो बेचारा मैच्योर भी नहीं हो पाता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा शांत होता है। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं वक्यूना के बारे में। वक्यूना क्या है? एक कैमल का वैरायटी है जो कि बहुत फेमस वैरायटी है। ये पेरू का नेशनल एम्ब्लेम के तौर पे यूज किया जाता है। ओके, जैसे इंडिया का क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशनल टॉपिक के बारे में, जिसमें मोहेर और अंगोरा उल के बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं। मोहेर क्या होता है? अंगोरा रैबिट का जो उल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, और हम लोग अंगोरा उल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, द डिजीज विच अकर ड्यू टू ए पर्सन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। द डिजीज विच अकर ड्यू टू ए पर्सन ऑक्यूपेशन, द डिजीज which occurs due to a person's occupation। कोई भी आदमी काम कर रहा है, अगर उसके दौरान जो डिजीज होता है उसे हम लोग बोलते हैं occupational hazards, या jobs, जो job कर रहा है उसके दौरान, are referred to as ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। जैसे सीमेंट फैक्ट्री का वर्कर,
वो बहुत कम एज में मर जाता है, 60 क्रॉस करते करते वो बेचारा मर जाता है। जिसमें सबसे पहले हम लोग डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो डिजीज है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स ठीक है, एंथ्रैक्स जनरली होता है ऊल इंडस्ट्री वाले को, जो उनके इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उसे होता है, वूलन इंडस्ट्री में होता है। वूल इंडस्ट्री में, वूल इंडस्ट्री में कैसे होता है, तो जो सॉर्टिंग में वर्क कर रहे होते हैं, मींस फाइबर को सॉर्ट कर करके अलग कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस के बारे में मैं पिछले क्लासेस में बताया था। नहीं देखे हैं लेक्चर तो जाकर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3, उसमें मैं बताया था सॉर्टिंग कैसे किया जाता है। तो जो लोग सॉर्टिंग करते हैं उसे मेनली ये एंथ्रैक्स हो जाता है। ये होता है बैक्टीरिया से, कॉज बाय बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, मीन्स बैक्टीरिया से होने वाला ये एक बीमारी है। किस बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, एक बैक्टीरिया है उसी से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, एक बैक्टीरिया है उसी से हो जाता है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स किससे होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंथ्रैक्स डिजीज होता किसको है, जो सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट में मींस अलग कर रहे होते हैं उल को, और उस डिपार्टमेंट में जब उल को अलग कर रहे होते हैं उसके दौरान ये डिजीज होता है। कौन सा डिजीज, एंथ्रैक्स ठीक है। ये एक फैटल डिजीज होता है, मींस जानलेवा होता है, जानलेवा, और ये ब्लड डिजीज होता है, ब्लड डिजीज मीन्स खून में होने वाला बीमारी, कोई दिक्कत नहीं। ये बीमारी एंथ्रैक्स ह्यूमन में भी होता है और अदर एनिमल्स में भी होता है। ह्यूमन में कब होता है, जब वो वूलन इंडस्ट्री में वर्क कर रहा होता है, और अदर एनिमल्स में भी होता है। क्लास 8 में आप पढ़ोगे कैसे कैसे अदर एनिमल्स में होता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये फैलता कैसे है, बैक्टीरियल स्पोर से फैलता है। स्पोर के बारे में मैं बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में, स्प्रेड थ्रू बैक्टीरियल स्पोर। रुकिए फिर से बताता हूँ, स्प्रेड थ्रू बैक्टीरियल स्पोर्स। स्पोर क्या होता है, जो उसके बॉडी में फाइन पतला पतला सा डॉटेड होता है, उसके बारे में मैं बताया था उस चैप्टर में, डॉट जैसा पाया जाता है और वो उड़ने लगता है। क्या होता है इसके बारे में हम लोग अदर क्लासेस में भी बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ याद रखिए, जैसे जैसे ऐसा है, इसके अंदर में स्पोर है भरा हुआ और ये उड़ के निकल निकल के डिजीज फैलाएगा, उसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियल स्पोर, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, अस्थमा के बारे में। इससे बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस में डस्ट भी निकलता है, उससे भी डिजीज होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कर लिए इतना नोट डाउन। रब एंथ्रैक्स हो गया, कैसे होता है एंथ्रैक्स पता लग गया, आप जो वूलन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वर्कर उसी को हो जाता है। किस बैक्टीरिया के कारण, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, ये जो बैक्टीरिया होता है ये रॉड शेप होता है, ठीक है, राउंडेड नहीं होता है। राउंडेड में ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया था, राउंडेड के अंदर स्पोर, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सेकेंड डिजीज, अस्थमा। अस्थमा, अस्थमा जो अस्थमा डिजीज है, ये भी डिजीज उल से ही फैलता है, वूलन इंडस्ट्री में यह डिजीज हो जाता है मेनली। क्यों होता है, क्योंकि वूलन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, डस्ट उसके कारण होता है, डस्ट के कारण होता है। कॉन्स्टेंटली ब्रेथिंग डस्ट, डस्ट में कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग कर रहा होता है वो बंदा, कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग इन डस्ट, जिसके कारण अस्थमा हो जाता है, ठीक है। अस्थमा का स्पेलिंग शायद गलत लग रहा है, ठीक है, डस्ट में कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग करते हैं उसके कारण होता है। ASTHMA, ठीक है। जब हम लोग
कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं उस दौरान हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आ गया इतना समझ में। और फाइनल फाइबर, एंड फाइन उल फाइबर, और उल फाइबर के इंडस्ट्री में जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली ब्रेथ कर रहे होते हैं और फाइन उल फाइबर में वर्क कर रहे होते हैं, उसी के दौरान ये डिजीज हो जाता है अस्थमा। ठीक है, फिर और भी बहुत सारा डिजीज होता है, जनरल हेल्थ पर भी असर डालता है, ये हमारे जनरल हेल्थ पर असर डालता है। जनरल हेल्थ पर कैसे असर डालता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा साउंड निकलते रहता है, नॉइज निकलते रहता है। जैसे हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि बहुत सारा मशीन ऑपरेट हो रहा होता है। और भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, वाटर कंटेंट। ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर कंटेंट, उस जगह का वाटर कंटेंट फ्लक्चुएट होते रहता है जहाँ पर इंडस्ट्री ऑपरेट हो रहा होता है, वाटर कंटेंट। तो यही सब मेन फैक्टर्स है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स का, हो गया। फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न के बारे में। एक टॉपिक हो गया आज का आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, जिसमें तीन मेनली डिजीज होता है, क्या क्या, एंथ्रैक्स किससे होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से, फिर होता है अस्थमा, अस्थमा किससे होता है, डस्ट जब हम लोग लगातार सांस में ले रहे होते हैं, ये फाइन उल फाइबर से होता है, और होता है जनरल हेल्थ जो कि आवाज़ से होता है, आवाज़ कान खराब हो जाता है, हाई टेम्परेचर, आवाज़ क्यों निकल रहा होता है, बड़े बड़े मशीन ऑपरेट हो रहे होते हैं, और वाटर कंटेंट मीन्स ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है, मीन्स चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न। चलिए सेकेंड टॉपिक आज का, एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न। एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न, क्रुएल्टी कंसर्न, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, मेनली प्रॉफिट के लिए एनिमल्स को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, जो कुछ फ़ायदा हो जाए। जैसे जैसे शीप को प्री मैच्योर सियरिंग कर देंगे, मतलब शीप के बॉडी पर हेयर आया नहीं और हम लोग सियरिंग कर देंगे, प्री मैच्योर सियरिंग, प्रॉफिट के लिए प्री मैच्योर सियरिंग कर देते हैं। जैसे बेचारा शीप मैच्योर भी नहीं होता है और सियरिंग कर देते हैं। जब शीप का झुंड निकल रहा होता है, उसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं, जब फ्लॉक्स निकल रहा होता है, जब थाउजेंड ऑफ शीप्स, जब हजारों के संख्या में शीप निकल रहा होता है, उस टाइम इंडिविजुअल शीप पर कोई ध्यान नहीं देता है, इंडिविजुअल शीप पर कोई ध्यान नहीं देता, मतलब अब हज़ार शीप निकल रहा, उसमें छोटा छोटा बच्चा भी शामिल होता है, बच्चा के देह पर दूसरा शीप चल गया और बच्चा मर गया, ऐसा भी हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा मेला में होता है ना, जो मेला लगा होता है उसमें छोटा बच्चा गिर जाता है तो उसके बॉडी पर सब पैर से कुचल के निकल जाता है, वैसे ही इसमें भी होता है। एक शीप जो छोटा होता है, मान लीजिए किसी कारण से वो नीचे गिर गया तो उसके बॉडी पर सब कुचलते हुए निकल जाएगा और वो बेचारा शीप मर जाता है। तो इंडिविजुअल का कोई केयर नहीं करता है, क्योंकि हजारों के संख्या में एक बार शीप निकलते हैं। कभी गरेरिया को देखिएगा, जो भेड़ चराते उसे देखिएगा, एक बार में हजारों के संख्या में शीप निकलते हैं। तो जब झुंड निकलता है तो इंडिविजुअल शीप पर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई केयर नहीं करता है, ठीक है। शीप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है, मतलब शरीफ होता है, ये बहुत ज़्यादा डरपोक भी होता है, डरपोक होता है, और ये पूरी अपनी कम्युनिटी में प्यार से रहता है, कभी झगड़ता नहीं है। जैसे तुम लोगों को दो फ्रेंड को एक जगह बैठा दिया जाए तो थोड़ा देर में तुम दोनों झगड़ लोगे, लेकिन ये सब झगड़ता नहीं है, कभी नहीं झगड़ता है, ये सब प्यार करते
प्यार करके रहता है, लोनलीनेस में रहता है, सब प्यार 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 से रहता है। शिप को हम लोग सिर्फ एक उल प्रोड्यूसिंग मशीन के समान ट्रीट करते हैं, शिप को हम लोग सिर्फ उल प्रोड्यूसिंग मशीन के समान ट्रीट करते हैं। ट्रीटेड नथिंग मोर देन उल प्रोड्यूसिंग मशीन, ट्रीटेड नथिंग मोर देन उल प्रोड्यूसिंग मशीन। हम लोग सिर्फ इसे मशीन की तरह यूज करते हैं कि उल इसके बॉडी से लेते चले जा। उल का जो शियरिंग होता है वो स्प्रिंग सीजन में किया जाता है, जिसके बारे में मैं बताया था, अर्ली समर में कर दिया जाता है ताकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठीक है। अगर अर्ली समर में जब शियरिंग किया जाता है देन उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है। अगर लेट हो गया मान लीजिए किसी कारण से भी तो उसके बॉडी से लॉस हो जाता है उल, लॉस ऑफ उल। जब हम लोग टू लेट शियरिंग करते हैं, जब थोड़ा सा लेट करते हैं टू लेट शियरिंग, देन क्या होता है, जब हम लोग शियरिंग करने में लेट करते हैं मीन्स हेयर रिमूवल में लेट करते हैं, तब क्या होता है उसके बॉडी से उल का लॉस हो जाता है, ठीक है। इसी कारण से जो शियर करवाने वाले होते हैं वो बहुत ठंड में ही शियरिंग करवा देते हैं, टू कोल्ड में ही, ठीक है, टू कोल्ड शियरिंग कर दिया जाता है। शियरिंग SHEARING, ठीक है। जब ठंड बहुत तेज होता है उसी टाइम ही शियरिंग कर दिया जाता है और बेचारा शिप का जान निकल जाता है क्योंकि उसे ठंड का सामना करना पड़ता है। और जनरली शिप सब कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन्स वाले एरिया में, किस किस जगह पर मैं सब बताया था। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि किस किस जगह पर शिप पाया जाता है, पूरा लिस्ट लिखिए जितना मैं बताया था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। नोट कर लिया इतना, एक मिलियन से भी ज़्यादा शिप मारा जाता है प्री मैच्योर शियरिंग के कारण। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख से भी ज़्यादा शिप। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। सरकार का क्या आंकड़ा है, 1 मिलियन शिप डाई एवरी ईयर। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लैक्स। 10 लाख शिप मारा जाता है हर साल इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। किस पर्पज में, क्यों मारा जाता है, इसका बस एक ही कारण है, प्री मैच्योर शियरिंग के कारण ये मरता है। प्री मैच्योर शियरिंग, ड्यू टू प्री मैच्योर शियरिंग। मीट के तौर पर यूज किया जाता है वो अलग है, सिर्फ उसका एज नहीं होता है, बेचारा छोटा रहता है, उसके बॉडी से हेयर को रिमूव कर दिया जाता है, स्किन सही थी और उसके बॉडी में क्रीम लगा दिया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम, और वो सिर्फ मर जाता है, इसी दौरान मर जाता है उसके बॉडी से, क्योंकि स्किन निकाल दिया जाता है, इन्फेक्शन लगता है, डिजीज होता है, मर जाता है। कभी कभी तो डिजीज हो जाता है उस टाइम उसके मीट के तौर पर यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रीमैच्योर शियरिंग, ड्यू टू प्रीमैच्योर शियरिंग हो गया। जब उल प्रोडक्शन गिर जाता है, डिक्लाइन होता है, जब उल निकलना बंद हो जाता है, देन हम लोग क्या करते हैं, उस शिप को स्लॉटर में भेज देते हैं। क्या होता है, जहाँ पर शिप को भेजा जाता है और उसका हत्या किया जाता है, ठीक है, स्लॉटर में भेज दिया जाता है, मिलियंस के संख्या में, मिलियंस में भेजा जाता है, एक नहीं मिलियंस में। ये सब गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि शिप ट्रैम्पल टू डेथ हो जाता है,
ट्रैम्पल्ड टू डेथ। जब वो झुंड में निकल रहा होता है देन वो कुचला जाता है, ट्रैम्पल्ड मतलब कुचला जाना, और वो मर जाता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, कर लिया इतना नोट डाउन। एनिमल क्रुएल्टी कंसर्न समझ में आ गया, एनिमल्स के साथ बैडली तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वक्यूना के बारे में। वक्यूना क्या है? एक कैमल का वैरायटी है। इसके बारे में मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था। ओके, हेडिंग लगाइए वक्यूना। वक्यूना 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 क्या है? मेंबर ऑफ कैमल फैमिली है, ये सबको पता होगा। मेंबर ऑफ कैमल फैमिली, कैमल फैमिली का एक मेंबर है। ओके, ये तो सबको पता है। इसका जो ऊल होता है एक्सट्रीमली फाइन होता है, एक्सट्रीमली फाइन ऊल। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा फाइन होता है, एक्सट्रीमली फाइन ऊल, बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। किसका? वक्यूना उल। ठीक है, ये जो होता है ये 3 ईयर्स पे एक बार सीयरिंग किया जाता है। वक्यूना जो कैमल से उल निकाला जाता है वो 3 साल पर एक बार सीयरिंग किया जाता है, और ये मेनली जंगल से ही सीयर किया जाता है। अभी इसका सीयरिंग बहुत कम हो चुका है, ठीक है, बहुत कम, लेकिन ये बात ही है पुराने, ये पुराने बात है, ये बहुत पुराना बात है। 3 साल पर एक बार शेयरिंग किया जाता है जंगल से। ठीक है, अभी भी वैसा ही किया जाता है, 3-4 साल पर एक बार किया जाता है। ठीक है, ये है नेशनल एनिमल ऑफ पेरू। नेशनल एनिमल ऑफ पेरू कौन है? वक्यूना। नेशनल एनिमल ऑफ पेरू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल एनिमल ऑफ पेरू, पेरू का नेशनल एनिमल क्या है? वक्यूना। वक्यूना, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में? ठीक है, ये एम्ब्लेम के तौर पे भी यूज किया जाता है, एम्ब्लेम के तौर पर, पेरू का एम्ब्लेम, एम्ब्लेम के तौर पर भी यूज किया जाता है। एम्ब्लेम इज यूज ऑन द पर्वियन कोट, इज यूज ऑन द पेरुबियन, पेरुबियन कोट ऑफ आर्म्स। पेरुबियन आर्म कोट्स जो होता है उसके एम्ब्लेम के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे इंडिया का एम्ब्लेम क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में, एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। तो नेशनल एनिमल ऑफ पेरू कौन है? वक्यूना। ये यूज किस तौर पे किया जाता है? एम्ब्लेम इज यूज ऑन द पेरुबियन कोट ऑफ आर्म्स। ठीक है, पेरुबियन, स्पेलिंग दिख रहा है सभी को, PERUVIAN। ठीक है, वक्यूना हाई अल्टीट्यूड पर पाया जाता है, हाई अल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचा वाले जगहों पर पाया जाता है वक्यूना। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है जिसके कारण ये एक्सटिंक्शन के कगार पर है। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त के कगार पर, मतलब ख़त्म होने को है, एक्सटिंक्शन के कगार पर है। और क्यों यूज किया जाता है वक्यूना का? क्योंकि ऊल इसका बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल सॉफ्ट ऊल, बहुत ही अच्छा और मुलायम ऊल होता है। ठीक है,
और इसका जो ऊन होता है बस 1.5 केजी एक कैमल से निकलता है 3 साल में, 0.5 केजी परियल ऊन का बस उसके बॉडी से निकलता है। कितना निकलता है? 0.5 केजी ऊन पर ईयर, 1 साल में बस 0.5 केजी निकलता है। ठीक है, इसकी अब हम लोग एक हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बहुत ही अच्छा हिस्ट्री है। रब कर दूं इसको, कर दूं रब। चलिए एक हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, बहुत पुरानी सी बातें हैं। प्री कोलंबियन इरा की ये बातें हैं, ठीक है। हिस्ट्री इसका एक बहुत ही अच्छा सा हिस्ट्री है, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा, ठीक है। तो बात है इनका की, इनका इनका क्या है पता है किसी को? प्री कोलंबियन अमेरिका को इनका बोला जाता था, प्री कोलंबियन अमेरिका, जो प्री कोलंबियन अमेरिका था, COLU है शायद, COLUMBIN, हाँ प्री कोलंबियन अमेरिका को इनका बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आदमी सब था एक जगह गैदर हो जाता था, इसका आदमी सब क्या करता था, उल गैदर्ड बाय कम्युनल एफर्ट, पूरे समुदाय का लोग इकट्ठा होकर के तब जाके उल को गैदर करता था, उल गैदर्ड बाय कम्युनल एफर्ट, पूरी कम्युनिटी के एफर्ट से उल को गैदर किया जाता था, ठीक है। ये बात है प्री कोलंबियन अमेरिका की, उल गैदर पूरा कम्युनिटी मिलकर करता था, आ रहा समझ में सभी को? पूरा कम्युनिटी मिलकर उल को गैदर करता था, जिसको हम लोग बोलते थे चाकू, क्या बोलते हैं, नोन एज चाकू, जिसको हम लोग चाकू बोलते हैं, ठीक है, हाँ चाकू बोलते हैं, इसको हम लोग चाकू बोलते हैं। एक साथ जब पूरा कम्युनिटी इकट्ठा होके जब उल को गैदर करता है देन उसे हम चाकू बोलते हैं, आ गया समझ में सभी को? और फिर क्या किया जाता था, एनिमल्स का सियरिंग किया जाता था, एनिमल्स वर सियर्ड, सबसे पहले पूरे कम्युनिटी मिलकर उल निकाला जिसको हम लोग चाकू नाम से जानते हैं, फिर एनिमल्स का सियरिंग किया जाता था, और उसको ये जनरली जंगल से उठाया जाता था और छोड़ दिया जाता था, एवरी 4 ईयर, हर 4 साल पर ये किया जाता था, ठीक है। ये अभी भी मेनली होता है, ठीक है, ये अभी भी होता है, बट बचा करके, इसके लिए एक ट्रेडमार्क का भी यूज करती है, ट्रेडमार्क का भी यूज होता है जो आर्म्स को दिया जाता है, ठीक है। अब ये बातें हैं 1960 की, केवल 6000 वैक्यूना पूरे दुनिया भर में बचा था, कितना बचा था, इन 1916 ओनली 6000 वैक्यूना लेफ्ट बिहाइंड, सिर्फ 6000 वैक्यूना बचा था, कहाँ, पूरे वर्ल्ड भर में, इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में केवल 6000 वैक्यूना बच पाया था, और सारा का सारा को मार दिया गया था, क्या चीज के, उल के लालच में कि कुछ पैसे आएंगे, ठीक है। इसी कारण से चिली और पेरू नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क टू सेव वैक्यूना, क्या किया, नेशनल पार्क को एस्टैब्लिश किया, कौन कौन, चिली और पेरू, नाम याद रखिएगा,
चिली और पेरू नेशनल पार्क का एस्टेब्लिशमेंट किया। क्यों किया? हॉल्ट टू ट्रेड मीन्स व्यापार करने से बचाने के लिए। देन क्या हुआ? देन इसका रिजल्ट क्या हुआ? देन रिकवर किया और आंकड़ा लगभग पहुंच गया था 3.5 लाख के करीब कुछ दिन पहले। इतना आंकड़ा पहुंच गया, ठीक है, इतना नोट कीजिए, कर लिया नोट डाउन। एक जीरो और लगा लीजिए। हो गया। अब हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अच्छा पॉइंट है, जो कि आपको काम देगा। और लेक्चर को काफ़ी ध्यान से सुनिए और आप लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी लगे देन इंस्टेंट कमेंट कीजिए, ओके, और अच्छे से याद कीजिए। कुछ एडिशनल पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंगोरा गोट के बारे में। अंगोरा गोट से क्या आता है पता होगा आपको? क्या आता है? अंगोरा उल। क्या आता है? मोहेर। याद है या सब भूल गए या कुछ लर्न करते हो या नहीं? अच्छे से याद कीजिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। अच्छे से याद कीजिए, काफ़ी ध्यान से सुनिए। कई बार मैं अब अगले क्लास से बताते बताते बीच में मैं गलत करूँगा और आपको कमेंट में बताना है जो हाँ यहाँ पर आप गलत बताए, ज़रूर मैं ऐसा करूँगा, आपको कंफ्यूज कर दूँगा। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तभी कमेंट कर पाइएगा, ओके। अगले क्लासेस से मैं आपको ज़रूर कंफ्यूज करूँगा, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बता दूँगा और वहाँ पर थोड़ा बहुत हिंट दे दूँगा और आपको वो कमेंट में करना है कि इस पॉइंट पर मिस्टेक है, ठीक है। इसी कारण से मैं करूँगा, जैसे अंगोरा गोट है मोहेर, आपको बोल दिया जाएगा अंगोरा उल निकलता है और आप सही मान लोगे, ऐसा नहीं करना है, याद रखना है। जो मैं प्रीवियस क्लासेस में बताता हूँ उसको आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो अंगोरा गोट से क्या निकलता है? मोहेर निकलता है। सबको समझ में आता है? इसके बॉडी पर, इसका जो बॉडी का हेयर होता है, अंगोरा गोट का जो हेयर होता है उसका हेयर एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उस प्रोटीन का नाम होता है किरैटिन प्रोटीन। क्या नाम होता है प्रोटीन का? किरैटिन प्रोटीन। क्या होता है? किरैटिन प्रोटीन। अंगोरा गोट का जो हेयर होता है वो किरैटिन प्रोटीन का बना होता है। कहाँ पर पाया जाता है? फाउंड इन हेयर। कहाँ पाया जाता है? बाल में, उसके सिंग में भी पाया जाता है। हेयर हॉर्न्स में मेनली पाया जाता है और थोड़ा बहुत स्किन में भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत ना अच्छा खासा अमाउंट में, ओके, स्किन में कोई दिक्कत नहीं। इतना अंगोरा गोट का एडवांटेज क्यों दिया जाता है बहुत ज़्यादा? क्योंकि ये ड्यूरेबल होता है और लस्टरस होता है। इसका प्रॉपर्टी मैं बताया था आपको, क्या होता है? ड्यूरेबल होता है मतलब टिकाऊ होता है, लस्टरस होता है, लस्टरस मतलब चमकीला होता है, मतलब बहुत अच्छा देखने में लगता है। ऑल्सो कॉल्ड है डायमंड फाइबर, एक अच्छा सा पॉइंट है। ऑल्सो कॉल्ड एज C/A मतलब कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है?
डायमंड फाइबर, डायमंड फाइबर, डायमंड फाइबर कहाँ से निकलता है? अंगोरा गोट से, ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में आएगा कि अंगोरा गोट से क्या, अंगोरा गोट से डायमंड फाइबर निकलता है या अंगोरा रैबिट से, आप मार के आ जाओगे अंगोरा रैबिट और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि बाद में गलती ना हो। अधिकतर बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो करके गलती कर लेता है, और मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी वार्न कर दिया था। ओके, चैप्टर बहुत बड़ा है, बोरिंग है, अप्रॉक्स 8 to 9 लेक्चर्स तो आ ही जाएंगे इस चैप्टर के, और बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर आएगा, लेंदी है, याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 3 क्वेश्चंस आते हैं। स्कूल में ऐसे ये बहुत छोटा पढ़ाया जाता है, लगभग 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाता है। सिर्फ NCERT पढ़ाया जाए तो 2 क्लास मैक्सिमम है, वो भी छोटा छोटा क्लास, आसान क्लास। बट जब आप ओलंपियाड के लिए पढ़ोगे देन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और इससे क्वेश्चंस आने की 100% पॉसिबिलिटी भी नहीं है, 100% नहीं है, 100% गारंटी ओलंपियाड के लिए कोई नहीं ले सकता है। मतलब कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, जो मन आएगा एग्जामिनर का वो पूछ लेगा, ऐसा ही होता है ओलंपियाड में, हर टाइम ऐसा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन 6 का बहुत सारा पूछ लिया जाएगा और आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि आप 6 क्लास सही से पढ़े नहीं हैं। तो इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, और सिर्फ क्वेश्चन लगाते जाइए, जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना फ़ायदा होगा, और क्वेश्चन नहीं लगाओगे देन एग्जाम में गलत हो जाएगा। कर लिए इतना नोट डाउन, देन हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड अंगोरा, क्या चीज़ के बारे में? रैबिट के बारे में। अंगोरा, ऊल और रैबिट, ये सब में कंफ्यूज तो नहीं होगे, मोहेर इस सब में। ओके, सेकेंड नंबर अंगोरा ऊल के बारे में हम लोग बात करते हैं। अंगोरा ऊल कहाँ से आता है? अंगोरा रैबिट से, अंगोरा रैबिट, अंगोरा ऊल कहाँ से आता है? अंगोरा रैबिट से आता है। अंगोरा रैबिट सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है, मुलायम के लिए, सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये तो सबको पता है। क्यों बैन हुआ था 2013 में? वीडियो क्लिप वायरल हो गया था 2013 में, वीडियो क्लिप वायरल हो गया, उसके बाद जितना जो ग्राहक था, रिटेलर जो था, वो नहीं खरीदना, रिटेलर सस्पेंड कर दिया, मतलब ये खरीदना ही छोड़ दिया, रिटेलर सस्पेंड कर दिया, मतलब रिटेलर जो जो खुदरा ग्राहक होता है, जैसे हम आप क्या जाते हैं, कुछ कपड़ा खरीद के लाते हैं, तो हम लोग कपड़ा खरीदना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि 2013 में एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, ऐसे ये वीडियो क्लिप बहुत जगहों से हटवा दिया गया था, फिर भी बहुत सारे जगहों पर अवेलेबल है। इस वीडियो क्लिप में ये दिखाया गया था कि रैबिट के दोनों पैर में रस्सी बांध दिया जाता है और पूरे बॉडी से फ्लीस को निकाला जाता है, और बेचारा रैबिट बहुत ज़्यादा छटपट छटपट कर रहा है। क्या किया जाता है उसके बॉडी में? बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, उसके बारे में आप लोग देखना कभी वीडियो, बहुत गंदा टाइप का वीडियो लगेगा। सीप को भी बहुत गंदे तरीके से पटका जाता है और शियरिंग किया जाता है मशीन से, रेजर से, ठीक है, और बाद में घाव भी हो जाता है पूरे सीप के बॉडी में। ओके, देन हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पर कश्मीरी के बारे में। सुनते हो ना, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल क्यों लिखा जाता है? कश्मीर का स्पेलिंग तो नहीं है, देन हम लोग क्यों लिखते हैं CASHMERI? ये ओल्ड स्पेलिंग है कश्मीर का, कश्मीर जो अभी हम लोग जानते हैं उसको हम लोग, कश्मीर का स्पेलिंग ये था पहले के टाइम में, लेकिन अब नया पर चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है कश्मीरी? ओल्ड स्पेलिंग ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर है उसका पुराना स्पेलिंग क्या है? कश्मीरी, CASHMERI, ठीक है। यहाँ पर फेमस शॉल क्या होता है? पश्मीना, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था।
ये क्या होता है, पश्मीना क्या होता है, फाइन कश्मीरी उल, ये सब तो पता ही होगा, फाइन कश्मीरी उल, ठीक है, पतला पतला कश्मीरी उल होता है। ये सबसे पहले इंडिया में वूवन किया गया था, फर्स्ट वूवन, वूवन मतलब बुनाई किया गया था इन इंडिया। कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा सा पॉइंट था, हो गया बस इतना ही। और भी एक दो पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बायोक्लिप के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे बायोक्लिप, बायोक्लिप क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ केमिकल शीप के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, प्रोटीन मेड केमिकल इंजेक्ट कर दिया जाता है शीप के बॉडी में, जिससे क्या होता है, शीप का हेयर अपने आप फॉल कर जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लीस ड्रॉप हो जाता है, हेयर अपने आप झड़ जाता है, इससे क्या होता है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट, टाइम और एफर्ट इसे बचता है। ये टेक्निक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने शायद डिस्कवर, हाँ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था, एक ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट थे वही डिस्कवर किए थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, एक बार पूछ लिया था ओलंपियाड में कि कहाँ के रहने वाले थे साइंटिस्ट जो कि डिस्कवरी किए थे बायोक्लिप का। बायोक्लिप क्या है, प्रोटीन मेड केमिकल इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे बॉडी से हेयर गिर जाता है, किसके बॉडी से, भेड़ के बॉडी से, हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं उलमार्क के बारे में। उलमार्क क्या होता है, उलमार्क पता है किसी को, एक स्टैंडर्ड मार्क दिया जाता है, जितने भी ऊनी क्लॉथ होते हैं उसके ऊपर एक सिंबल बना होता है, वो सिंबल ये दिखाता है कि ये कपड़ा ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। ये जनरली IWS, ये IWS इसका मार्का दिया था, इंटरनेशनल उल सेक्रेटरिस्ट, इंटरनेशनल उल सेक्रेटरिस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है क्या चीज का, IWS, यही उलमार का सिंबल इंट्रोड्यूस किया था। ये जो सिंबल है ये यूज किया, IWS कहाँ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये UK में है, यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूनाइटेड किंगडम में है, नॉर्थ यॉर्कशायर वाले रीजन में है, ये लिखना है तो लिख लीजिए बकवास पॉइंट, नॉर्थ यॉर्कशायर, नॉर्थ यॉर्कशायर वाले रीजन में ये है, ठीक है, इतना आता है समझ में। IWS इंटरनेशनल उड सेक्रेटरिस्ट, सेक्रेटरिस्ट, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम US में है, नॉर्थ यॉर्कशायर में। इसका सिंबल कैसा होता है, रुकिए मैं बुक से देखकर बनाता हूँ, ऐसा यहाँ पर बना दूँ, ठीक है, ये सिंबल भी याद रखिएगा क्योंकि ओलंपियाड में ये सिंबल पूछा जाएगा, इस टाइप का सिंबल देखिएगा, कोई भी वूलन क्लॉथ जब खरीदा कर आएगा तो ऐसा सिंबल बना होगा। ये सिंबल क्या है, IWS का सिंबल है, इसे क्या हम लोग पता करते हैं कि उल कैसा है, उल का मार्का पता चलता है,
किस मार्का का उल है, अच्छा है या बुरा है। तो यहीं पर लेक्चर होता है समाप्त, और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज यहाँ पर उल वाला टॉपिक पूरा फाइनली फिनिश हो गया, और एक टॉपिक और इस चैप्टर का बचा है जो कि 5 लेक्चर में कवर होगा, 3-4 लेक्चर में और वो कवर होगा, उसके बाद 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा आएगा जो कि एडिशनल बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो सारा पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। और अगले क्लास से हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, सिल्क के बारे में, सिल्क वर्म के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो थैंक्स, बाय बाय।